हेलो दोस्तों, करियर पॉइंट क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल सा रिंग बनाने वाले हैं। ये रिंग बहुत ही लाइट वेट का होने वाला है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू में जाएंगे और एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल हमें कितने का बनाना है, 14, तो 17.2 सर्कल बनाएंगे हम, 17.4 का। 0.2 हमने ज़्यादा लिया है, अब इसे हम ऑफसेट करेंगे 0.4 से और अंदर वाले को हम डिलीट कर देंगे। अब हम स्पीड कमांड से ऊपर वाले क्वाड को और नीचे वाले क्वाड को क्लिक करके स्पीड कर देंगे और एक साइड को हम डिलीट कर देंगे। अब हम पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे और इसे हम रिवील कर देंगे 0.7 से, 7 पॉइंट से इसे हम रिबिल्ड कर देंगे और इसको हम सिंपली पाइप कमांड से 0.8 का पाइप बना लेंगे। रिबिल्ड हमने 0.7 से किया था और इसे हम हल्का सा इस तरह से मूव करेंगे। अब इस पाइप को हम एरे कर देंगे 2 पॉइंट से और हल्का सा और मूव करेंगे हम इस तरह से। अब दोस्तों हम एक कॉलेट बनाएंगे, प्रिंसेस डायमंड का एक कॉलेट बनाएंगे। रेक्टेंगल कमांड पे जाएंगे और सेकंड वाले कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे, 0 एंटर टाइप करेंगे और 2 mm टाइप करेंगे, अगेन 2 mm टाइप करेंगे, तो ये हमारा 2 mm का स्क्वायर आ गया है। अब इसे हम ऑफसेट करेंगे, 0.45 से। ऑफसेट करने के बाद सिंपल इसको हम पैच कर देंगे और ट्रिम कमांड से अंदर वाले सरफेस को इस तरह से ट्रिम कर देंगे। अब इसे हम ऑफसेट करेंगे 1.5 mm से और एक सर्कल बना देंगे हम यहाँ पर 0.55 का। अब इस कर्व को भी हम मेटल बना देंगे, बोथ साइड ऑन है 1.5। अब इसे हम क्लोज कर देंगे कैप कमांड की हेल्प से और फ्लिटेड से हम इसको राउंड शेप में ले आएंगे। अब इसे हम मिरर कर देंगे, मिरर करने के बाद चैम्फर एज करेंगे हम 0.4 से, हम इसको चैम्फर एज कर लेंगे कुछ इस तरह से। लो ये हो गया और अंदर वाले कर्व को डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों इसके ऊपर डायमंड को इंपोर्ट कर लेंगे। मेरे पास डायमंड की फाइल है तो मैं डायमंड पे जाता हूँ और ऑल डायमंड पे क्लिक कर देता हूँ। प्रिंसेस कमांड को अनसिलेक्ट करके बाकी को हम डिलीट कर देंगे। अब इसका सेंटर पॉइंट लेके हम इसे मूव कर देंगे और इसे स्केल करके शेप में ले आएंगे बस। अब इसे हम नीचे मूव कर देंगे अब दोस्तों ये हमारा डायमंड बन चुका है। इसे हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद फ्रंट व्यू में जाके इसे ऊपर इस तरह से मूव करेंगे और इस तरह से हम सेट कर देंगे, रोटेट करेंगे हल्का सा। अब इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, इसका पॉइंट्स ऑन करके इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। एडजस्ट करने के बाद सिंपली इसे हम एरे कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारा जो रिंग है वो कंप्लीट हो चुका है।
अब हम फ्रंट व्यू में जाएंगे और रिंग की जो आईडी थी हमने डिलीट कर दिया था, दोबारा से हम बना लेंगे 17.4 का था। अब इस सर्कल से हम इस कॉलेट के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों ये रिंग बहुत ही इजी है, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इस वीडियो को फॉलो करके ये रिंग इजीली बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।